हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे परपरागत पशुओं में। परपरागत पशुओं में चेन की विधियां दो विधियां हैं, एक समूह चयन और दूसरा है आवर्ती चयन। तो सबसे पहले हम समूह चयन की बात करेंगे परपरागित पशुओं में। समूह चयन आप पहले भी पढ़ा है, स्वपरागित पशुओं में आपने अध्ययन किया है, उसी प्रकार से समूह चयन और एक विधि का यहां भी अध्ययन करेंगे कि परपरागित पशुओं में समूह चयन विधि के आधार, यानी हम नंबर एक बात करेंगे समूह चयन विधि के अंदर किसी समष्टि में से कोई भी विविधतापूर्ण समष्टि है जिसके अंदर अनेक प्रकार के पादप हैं, उनमें से उत्कृष्ट व वांछित लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। पादप का चयन करेंगे और चयन करने के बाद उसमें मुक्त परागण होने दिया जाता है, उसमें मुक्त परागण होने दिया जाएगा और उसके बाद में चयनित जो पौधे हैं उनके बीजों को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। पौधों के बीज होते हैं उनको मिला दिया जाता है, जिसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है, समूह चयन। इस विधि को एक आरेख के माध्यम से आप समझेंगे कि जैसे प्रथम चयन चक्र क्या हुआ, विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट व वांछित लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। कि सबसे पहले जो विविधतापूर्ण समष्टि है उसमें से उत्कृष्ट व वांछित लक्षण प्रारूप वाले जो पौधे हैं कि जिनमें उपज है, गुणवत्ता है, रोग प्रतिरोधकता है आदि पौधों का क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। ये पहले वर्ष की प्रथम चयन चक्र है। उसके बाद में समष्टि में मुक्त परागण, उनमें एक प्रकार से स्वतंत्र परागण होने दिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक परागण होने देना, क्योंकि पर परागण होना है तो एक प्रकार से मुक्त परागण होगा अथवा प्राकृतिक परागण होने दिया जाता है। चयनित पौधों के बीजों को आपस में मिलाना, उसके बाद में जो चयनित पौधे हैं उनके बीजों को आपस में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, जिसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं, समूह चयन बोलते हैं। ये प्रथम वर्ष है, प्रथम चयन चक्र है, ध्यान रहे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी समष्टि में से पहले वांछित पौधों का चयन करना है, चयन करने के बाद उनमें प्राकृतिक परागण होने देना है, उसके बाद में उनके बीजों को आपस में मिलाना, ये प्रथम चयन चक्र है। उसके बाद में दूसरे वर्ष की बात करें कि जो मिश्रित बीजों से अगली पीढ़ी उगाना, जो मिश्रित बीज हैं, ध्यान रहे कि मिश्रित बीज हैं उनसे अगली पीढ़ी उगाना, ये दूसरी वर्ष की बात है। तथा प्रथम वर्ष की जो नंबर एक विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट और वांछित लक्षण प्राप्त वाले पौधों का चयन करना तथा चयनित पौधों के बीजों को आपस में मिलाना, यानी नंबर एक और नंबर तीन, इनको वापस दूसरे वर्ष में इन क्रियाओं को दोहराया जाता है। ध्यान रहे, चयन चक्र को एक या अधिक बार दोहराया जा सकता है, इसी चक्र को एक या अधिक बार दोहरा सकते हैं, अर्थात उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, उपज परीक्षण किया जाता है। उपज परीक्षण में उसकी गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधकता आदि का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो ये एक प्रकार से समूह चयन आरेख है। समूह चयन आरेख में ध्यान रखें कि पहले विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट है वांछित लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। समष्टि में मुक्त परागण अथवा प्राकृतिक परागण होने दिया जाता है और उसके बाद में चयनित पौधों के बीजों को आपस में मिलाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, समूह चयन कहलाता है। और इसी क्रिया के साथ क्या होगा, प्रथम चयन चक्र पूरा होगा। उसके बाद में दूसरे वर्ष की बात करें तो मिश्रित बीजों से अगली पीढ़ी उगाना,
और इसी वर्ष में प्रथम वर्ष की क्रिया एक व तीन को पुनः दोहराया जाता है और उसके बाद में चयन चक्र को एक या अधिक बार दोहराया जा सकता है और अंत में क्या किया जाता है, उपज परीक्षण किया जाता है। तो ये दूसरे वर्ष की क्रिया होगी और इसी एक चक्कर यानी ये द्वितीय चयन चक्र है, इसको और दोहरा सकते हैं और अंत में क्या करेंगे, उपज परीक्षण करेंगे। यह पर परागित पशुओं में समूह चयन आरेख। उसके बाद में नेक्स्ट जो आरेख होगा वो होगा आवर्ती चयन विधि, जो अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।